बदलाव अपने साथ हमेशा सवाल लेकर आता है जिनका जवाब ढूंढना जरूरी होता है। बहरहाल हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं उसे लेकर संभवतः आपके मन में भी कई सवाल होंगे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको उन सवालों के जवाब दे दिए जाए जिनके जवाब हमने पहले से तलाश लिए हैं। चलिए अब ज्यादा पहेलियां ना बुझाकर सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं हाल ही में लॉन्च हुए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की, जिसे लेकर गाड़ी मालिकों के जहन में कई सवाल उमड़ रहे हैं। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भारत सरकार द्वारा लाई गई एक नई नीति है, जिसके तहत भारतीय सड़कों पर चलाई जाने वाली पुरानी और खटारा हो चुकी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इन पुरानी हो चुकी गाड़ियों को एक तय समय सीमा में फिटनेस टेस्ट कराना होगा। यदि वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उन्हें स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बावजूद सड़कों पर नजर आएगी तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ऐसी गाड़ियों को जब्त भी कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि सरकार को यह नई नीति लानी पड़ी। तो आपको बता दें कि यह मुसीबत कोई नई नहीं है, ये मुसीबत सालों से हमारे बीच मौजूद है, जिसे आप और हम देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और आज स्थिति यह है कि लोगों की जान पर बनाई है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि प्रदूषण के मामले में हमारे देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं इसकी एक बड़ी वजह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 70% वायु प्रदूषण के लिए सड़कों पर चलने वाली पुरानी गाड़ियां ही जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियों की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। कुल मिलाकर हवा में जहर घोलने के अलावा इनका काम कुछ और नहीं रह जाता है। वहीं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी ये काफी खतरनाक होते हैं। यही वजह है कि सरकार को ये नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लानी पड़ी है। इस नई नीति के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने हो चुके उन सभी कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा जो फिटनेस और एमिशन टेस्ट में फेल होंगे। वहीं प्राइवेट गाड़ियों के मामले में स्क्रैपिंग की अवधि 20 वर्ष तय की गई है। लिहाजा 20 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी प्राइवेट गाड़ियों को फिटनेस और एमिशन टेस्ट की कसौटी पर खरा उतरना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर उन गाड़ियों की स्क्रैपिंग अनिवार्य होगी। यहां यह बताना भी जरूरी है कि गाड़ियों की स्क्रैपिंग एक स्वैच्छिक फैसला होगा, जहां गाड़ी मालिकों से कोई जबरदस्ती नहीं होगी। हालांकि उन्हें यह जरूर सुनिश्चित करना होगा कि उनकी अनफिट गाड़ी दोबारा सड़क पर नजर नहीं आनी चाहिए। वैसे भी नियम की अनदेखी पर लगने वाले जुर्माने और गाड़ी जब्त होने की संभावना के बारे में तो हमने बता ही दिया है आपको, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी अनफिट गाड़ी को बिना देर किए कर दीजिए स्क्रैप। इसमें फायदा आपका ही है। मान लीजिए कि आपकी पुरानी गाड़ी गिरते पड़ते फिटनेस टेस्ट में पास भी हो जाती है तो इसमें खुशी से उछलने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको फिटनेस टेस्ट और सर्टिफिकेट रिन्यूअल पर एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। जानकारी के मुताबिक इस पर करीब 40,000 रुपए तक का खर्च आ सकता है। इसके अलावा अगले 5 सालों में आपको दोबारा फिटनेस टेस्ट कराना ही कराना है। माना जा रहा है कि सारे टेस्ट ऑटोमेटेड तरीके से किए जाएंगे। इंजन की मौजूदा स्थिति, एमिशन स्टेटस, ब्रेकिंग सिस्टम और फ्यूल एफिशिएंसी के अलावा सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर इस टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। इस लिहाज से देखें तो टेस्ट रिजल्ट्स में छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सरकार की माने तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के कई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फायदे मिलेंगे। इससे करीब 1 करोड़ से ज्यादा पुरानी और अनफिट गाड़ियां सड़कों से हटाई जा सकेंगी। अगर ऐसा होता है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि पॉल्यूशन कितना कम हो जाएगा। इसके अलावा तेल की खपत में कमी आएगी। हम सभी ये बात जानते हैं कि पुरानी गाड़ियों में तेल की खपत बहुत ज्यादा होती है। इस लिहाज से देखें तो अनफिट गाड़ियों को हटाना पेट्रोल और डीजल पर होने वाले हमारे एक्स्ट्रा खर्चों को भी कम करेगा। वहीं इस बीच सरकार का यह भी मानना है कि इस कदम से देश में करीब 10,000 करोड़ का नया निवेश भी किया जा सकेगा। इसके अलावा करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, मगर गाड़ी मालिकों का क्या? उनके तो गाड़ी भी हो गई स्क्रैप, भला उनको क्या फायदा हुआ? तो घबराइए मत, क्योंकि गाड़ियों की स्क्रैपिंग गाड़ी मालिकों के लिए भी फायदेमंद साबित होने वाली है। पहला फायदा तो ये है कि गाड़ी की स्क्रैपिंग से जो भी रकम आएगी वो सीधे गाड़ी मालिकों को ही मिलेगी।
इसके अलावा नई गाड़ी खरीदने पर उन्हें 5% तक की छूट भी मिलेगी। उन्हें बस अपनी पुरानी गाड़ी की स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वहीं सरकार ने नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट का फैसला भी लिया है। राज्य सरकारों के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। लिहाजा प्राइवेट गाड़ियों को रोड टैक्स में 25% तक की छूट मिलेगी और कमर्शियल गाड़ियों के मामले में गाड़ी मालिक 15% तक की छूट का लाभ ले सकेंगे। आपको बता दें कि इंसेंटिव से जुड़े ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाले हैं। यहां बताना जरूरी है कि इससे पहले अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और चीन जैसे देश व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू कर चुके हैं। इन देशों को इसका लाभ भी मिला है। जानकारों के मुताबिक इस कदम से उन्हें न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है बल्कि वहां की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को भी फायदा पहुंचा है। लिहाजा ये उम्मीद की जा सकती है कि व्हीकल स्क्रैपेज की इस नीति से आने वाले समय में भारत को भी फायदा पहुंच सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।